नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट टाइम में डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं। लड़की और महिलाओं से बात करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई पहुंचाने की कोशिश है हमारी। लेकिन मैं लंबा सच जुड़े हुए जानते हैं उनके किस तरह के विचार हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? मैं नाम राजू रानी। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 10-15 साल हो गए डेरे से जुड़े हुए। यहाँ का माहौल आपको किस तरह का लगता है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आके हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है और सभी से प्रेम भावने से रहने की शिक्षा मिलती है, जैसे एक दूसरे की मदद करने की शिक्षा मिलती है, गरीब परिवारों की मदद करने की शिक्षा मिलती है, हमें यहाँ से बहुत सारे अच्छे काम करने को मिलते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है MCA JBT। आप एजुकेटेड है, इसके बावजूद यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ अंधविश्वासी और अनपढ़ लोग आते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है भी यहाँ पे अंधविश्वासी अनपढ़ लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर साहबान आते हैं, वकील आते हैं, उनको यहाँ पे आके कुछ मिलता है इसलिए लोग आते हैं। यहाँ आते हमें इतनी खुशी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पर। मानवता भलाई के कौन कौन से काम यहाँ पे किए? यहाँ पे जैसे कि ब्लड बैंक लगाए जाते हैं, गरीब परिवारों को मकान बनाकर दिए जाते हैं, गरीब बेटियों की शादी करवाई जाती है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। आज गुरु जी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? जो इल्जाम गुरु जी पे लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई? उनमें हमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं लगती, वो सारा सर झूठ है जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं गुरु जी पर। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गुरु जी ने कौन कौन से काम किए? पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कार्य जो है गुरु जी ने चलाए? गुरु जी चाहते जब प्राइवेट सब कुछ हो गया तो जो आम पब्लिक है ना, उनका शोषण हो जाएगा, इसलिए गुरु जी चाहते है अभी प्राइवेट ना हो कुछ भी। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं बहुत सारे हैं। और क्या है भी, जब गुरु जी 15 अगस्त होता है तब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों की संभाल करनी है, इसलिए बहुत सारे कार्य और किए जा रहे हैं जी। कितनी जरूरत है समाज को गुरु जी की? गुरु जी की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो क्या है, दिन में दिन गुरु जी जाने के बाद बहुत सारी बुराइयां आ चुकी हैं। जैसे पिछले टाइम क्या कोरोना आया था, इस साल डेंगू चल रहा है, जब गुरु जी जहाँ थे तो ऐसा कुछ नहीं था पहले। आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद? मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं डेरा सच्चा जुड़ने के बाद। हमें क्या है, अच्छी फैमिली मिली है, और क्या है जो बता नहीं सकते, बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज गुरु जी समाज में नहीं है तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिला? लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, पर हमें उनके भड़कावे में नहीं आना चाहिए, तो हमें अपने गुरु पे विश्वास है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, हम अपील करना चाहेंगे भी गुरु जी पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, और हमारे गुरु जी को ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाए हमारे गुरु जी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने बताया जो गुरु जी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो एकदम गलत है। मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, अच्छी शिक्षा लोगों को यहाँ पे दी जाती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।